शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों ने आज तवी पुल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक कामों के लिए निवेश करने वाली कंपनियां यहां के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवसेना इस मसले को लेकर उचित कार्रवाई करेगी। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि जो कंपनियां यहां सोचकर उद्योग लगा रही हैं, वो यहां पैसा बटोरने के काम करेंगी तो समझ जाएं कि शिवसेना ऐसा नहीं होने देगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहां पर प्रदर्शन किया, देखिए लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर देशी और विदेशी निवेशकों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। यहां पर लगातार जो है होड़ मची है निवेशकों को लेकर, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर हमारी शर्त है कि शिवसेना चाहती है कि ये जो निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं इसके अंदर एक शर्त रखी जाए, ये सुनिश्चित करें कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। उसके साथ निवेश की आड़ में जो निवेशक है जम्मू कश्मीर का पैसा लूटकर यहाँ से भागेंगे नहीं। हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से, केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जितने भी यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं उनके MOU के अंदर एक शर्त ऐड की जाए कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि निवेश की आड़ के अंदर कोई जम्मू कश्मीर का पैसा लेकर यहाँ से फरार ना हो। इसके साथ ही हमारी सरकार से अपील है कि जो निवेशक आ रहे हैं उनकी जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लग रही हैं उसके लिए यहाँ के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं ताकि कौशल और अकौशल दोनों तरह के यहाँ पे स्थानीय युवक जो है उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। ये हमारी सारी मांगे हैं, इसको लेकर आज हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.